स्नेक वैसे रेड बेली, रेड बेली स्नेक। अगेन हाइक करने वाले हैं हम लोग, फाइनली पहुंच गए गाइस। 1.5 घंटे की दूरी है हम लोगों के घर से यहाँ तक आने में, काफी लंबे ड्राइव के बाद अब फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं और अब अपना वॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट क्योंकि अभी 1 बज गए हैं ऑलरेडी दोपहर के, तो हम लोगों ने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं और फिर वॉक करते हैं, क्योंकि लंच टाइम हो गया था, बच्चे भी हैं साथ, तो काफ़ी हम लोग को भूख लग गई थी, तो पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद वॉक स्टार्ट करते हैं। और जब यहाँ आ रहे थे तो यहाँ पे रास्ते में कोई कार नहीं दिख रही थी, और अभी जब यहाँ आए हैं तो आप देखो कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, ऑलरेडी खड़ी हैं, और लोग ऑलरेडी वॉक के लिए निकल चुके हैं। तो ये Grade 4 वॉक है गाइस, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हाइक होने वाला है आज, और देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं। वैसे 11 किलोमीटर्स तक का करने का प्लान है, बट जितना भी कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे भी है साथ में, अगर वो टायर्ड हो गए तो वापस आ जाएंगे। ये वॉक स्टार्ट करते हैं, पूरे व्लॉग में बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वॉक स्टार्ट करते हैं। तो फिर से एक बार आ गए हैं हम लोग एक नए बुश वॉक में। एक्चुअली फ्राइडे से, जब से ये क्रिसमस की हॉलीडे स्टार्ट हुई है, तब से काफ़ी ज़्यादा खा लिया है हम लोगों ने, और कुछ सोच रहे थे हम लोग कि कुछ अब फिटनेस के लिए करना चाहिए। तो एक हम लोग के जो वही फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम लोग आ गए हैं, और ये काफ़ी लंबा बुश वॉक है 11 किलोमीटर्स का, तो 4 से 5 घंटे लगने वाले, और प्लस ग्रेड फोर मतलब यहाँ ऐसा होता है Grade 1 से Grade 5 इज़ द टफेस्ट, तो Grade 5 तो आई थिंक हम लोग भी मतलब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी करने के लिए, पर Grade 4 भी काफ़ी टफ होता है, हम लोग जल्दी जाते नहीं हैं Grade 4 में। तो ये Grade 4 है और 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, तो अब पता नहीं हम लोग पूरा कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में, तो बट चैलेंजिंग होने वाला है, और लॉट्स ऑफ कार्ब्स हम बर्न करने वाले हैं आज, तो ऑल गुड, जितना खाया है उतना सब निकालने वाले, ऑल गुड। तो हम लोग रेडी हैं, अभी सब लोग बाकी रेडी हो जाएं फिर चलते हैं, मिलते हैं वॉक के बाद। और यहाँ पे कितना मेरे साथ है, हेलो कैसे हो आप लोग। और बस जस्ट अभी स्टार्ट किया है, और आप यहाँ के अराउंड जो ट्रीज हैं वो आप देखिए, सब बुश फायर में जले हुए ट्रीज हैं, बट फिर से ग्रो कर रहे हैं। और आज कल इतनी गर्मी थी, आज देखिए फिर इतनी ठंडी, हम लोग वापस जैकेट में आ गए हैं। एंड थोड़ा सा हाइक अब डिफिकल्ट हो रहा है एक्चुअली, ये ऊंचा होता जा रहा है ना, ये खतरों की खिलाड़ी। क्या मिला स्नेक वैसे? He knows which snake. Red belly. Red belly snake. Yes, yeah. Oh, हम लोग miss कर गए। I have black belly. इस नेशनल पार्क में ना इस तरह की चीज़ें, इस तरह की क्रीचर्स मिलना थोड़ा कॉमन है। कहते हैं कि यहाँ पे स्नेक्स, लिजर्ड्स और लीचेस और भी कई तरीके के जानवर आपको मिल सकते हैं, तो थोड़ा बुश में ना जाके आप बीच में चलिए तो सब ठीक रहता है। पूरा लाइन से ही लेकिन बुश फायर का है ना। I know. वैसे तो हम लोग स्टार लाइट्स ट्रैक पे आए थे वॉक के लिए, लेकिन अब ये ट्रैक कौन सा है कुछ पता नहीं है, बस हम लोग चले ही जा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी कोई साइन बोर्ड तो मिला नहीं हम लोगों को रास्ते में।
तो बस गेस करके ही चल रहे हैं कि हो सकता है यही वाला हो, देखते हैं कौन सा ट्रैक है, कहीं और साइन बोर्ड मिल जाए तो। लग रहा है हम बारिश भी हुई थी, काफी स्लिपरी भी है थोड़ा। पूरा रास्ता इसी तरह से अभी तक जितना हम लोगों को मिला है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहुत सारे रॉक्स हैं छोटे छोटे। बट अच्छी बात यह है कि काफी ब्रॉड है ये जो वॉक करने का जगह है, बहुत नैरो नहीं है, तो इजी है वॉक करना। लास्ट टाइम जिस पे हम लोग गए थे वो एक ट्रेन बना के चलना होता था। आज का वेदर भी बहुत अच्छा है तो अच्छा लग रहा है। 11 किलोमीटर्स होपफुली हम लोग कर लेंगे। काफ़ी दूर आए हैं, अभी भी बहुत दूर जाना है। और एक बड़ा अच्छा सा व्यू है यहाँ पे, हम लोग थोड़ा सा रुके यहाँ पे, थोड़ा रिलैक्स करते, देखते हैं कैसा है। चलिए आपको भी ये व्यू दिखाती हूँ। देखो ये लोग पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। काफी सुंदर व्यू है यहाँ से। My God, suicide point. Not bitten by snake. Oh, bitten by a redneck spider. It's really nice. ये तो ग्रैंड कैनियन जैसा लग रहा है। बहुत सुंदर है, मतलब तो गजब व्यू है। हाँ, क्या व्यू है। Back from here it's like 5 kilometers. 5 kilometers already आ गए हम लोग। हाँ, जाएंगे तो 5 और तो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। So we go here. तो ये है बांसिया ट्री, एरिया है बांसिया, और ये ट्री भी है बांसिया। तो हम लोग अब इतने अच्छे ब्यूटीफुल व्यू देखने के बाद वापस जा रहे हैं। और 5 kilometers का वॉक अभी हुआ है केवल। अब देखते हैं इसके आगे थोड़ा जाएंगे या वापस जाना है। तो गाइस हम लोग अब वापस आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 kilometers वापस आ गए हैं। यहाँ से 2 kilometers और कार पार्क है। बट हम लोग को आते समय ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअल जो ट्रैक था स्टारलाइट ट्रैक, वो यहाँ से शुरू होता। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ से शुरू होता। बट और हम इस जगह पर रुके थे जब हम आ रहे थे तो, बट कुछ भी साफ लिखा नहीं हुआ है। हाँ। यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ किसी ने एरो और यू नो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, बट एरो ये किए बनाए ना।
यहाँ पे क्या रहा है ये? आई थिंक इट्स गुड कि हम लोग उधर गए, उस ट्रैक पे गए, बिकॉज वहाँ से हमें इतना अच्छा लुकआउट मिला, वो जगह हमने काफी एंजॉय किया, वो यूनिक था, मतलब यूनिक था, वैसा स्पॉट हमने इसके पहले नहीं देखा था, तो इट वाजंट बैड आइदर। एक नई चीज हमने ढूंढ ली, अब हम नेक्स्ट फिर कभी आएंगे तो ये ट्रैक और ये वाला ट्रैक करेंगे। और हम लोग की शक्लें भी अब चेंज हो गई हैं, आते टाइम कैसी थी और अब कैसी हो गई। और अभी हम लोग बस बहुत जल्दी जल्दी वॉक करें क्योंकि रेन भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से पहुंचना है। आज एक्चुअली में बारिश का प्रेडिक्शन था बट बारिश हुई नहीं लकली, तो लेकिन अभी इस समय रेन स्टार्ट हो गई, बहुत हल्की हल्की सी हो रही है, लेकिन होपफुली जल्दी से हम लोग पहुँच जाएँ। बस 2 किलोमीटर्स और, 8 किलोमीटर्स हो चुके हैं, 2 किलोमीटर्स और फिर कार पार्क आ जाएगा और हम लोग पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। और कीर्तना ने अपने आप को जैकेट से प्रोटेक्ट कर रखा है। फाइनली गाइस हम लोग का वॉक पूरा हो गया, पूरे 10 किलोमीटर्स का हाइक हम लोगों ने पूरा कर लिया और वापस हम लोग उसी जगह पे आ गए जहाँ से हमने वॉक किया था। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ हम लोग, जहाँ से हमने वॉक स्टार्ट किया था हम लोग का कार पार्क ये। और मैं अपने वॉच में आपको दिखाती हूँ 10 किलोमीटर्स, ये देखिए 10 किलोमीटर्स का वॉक हम लोग का पूरा हो गया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।